चौरास कैंपस में हमारा आना जाना होता नहीं था। बास्केटबॉल का ग्राउंड है, नेट है, यानी पर्वतीय पर्यटन एवं अतिथ्य अध्ययन केंद्र, अध्ययन केंद्र। ये वाला पोर्शन जो है ये है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, काफ़ी सही है। और इस साइड पे ये डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, अच्छा जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। ये एपिसोड मैं काफी दिनों बाद शूट कर रहा हूं, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने पहले भी इस चैनल पे एचएनबी गढ़वाल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करी, तो आज की ये वीडियो उनके लिए काफी स्पेशल होने वाली है जो एचएनबी में एडमिशन लेना चाहते हैं या जिन्होंने ले लिया है और चौरास कैंपस विजिट नहीं करा है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विजिट कराने वाला हूँ चौरास कैंपस, जो स्टार्ट कहाँ पे होता है, एंड कहाँ पे होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट चौरास कैंपस के अंदर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी बताता नहीं बल्कि विजिट कराता हूँ सारा एचएनबी गढ़वाल को जो चौरास कैंपस है, क्योंकि मैंने कई बार बिरला कैंपस जो श्रीनगर गढ़वाल में है वो काफी बार विजिट कराया है, वहाँ पे काफी वीडियोज बनाई है, लेकिन चौरास कैंपस में हमारा आना जाना होता नहीं था, तो इस वजह से मैंने यहाँ की बनाई नहीं। तो आज मौका मिला है और आज मैं इस कैंपस की वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट चौरास कैंपस के अंदर है, कहाँ कहाँ पे है। तो इस वीडियो को शुरू से स्टार्ट करते हैं जहाँ से गेट होता है स्टार्ट, तो चलते हैं। बट उससे पहले आप लोगों को एक चौरास का ब्रिज देखने को मिलेगा, जब आप श्रीनगर से चौरास की तरफ आएंगे तो आप वहाँ से स्टार्ट हो जाता है चौरास कैंपस का एरिया, क्योंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस है एचएनबी का। तो चलिए फिर अभी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो उसके लिए हमको मेन गेट की तरफ जाना पड़ेगा, अभी एक्चुअली हम कैंपस के अंदर ही है, तो अभी निकलते हैं फिलहाल मेन गेट से, आपको विजिट कराना शुरू करते हैं। तो हाँ जी भैया, ये है कॉलेज का मेन गेट जो कैंपस के अंदर से होगा, वैसे तो एक मेन गेट दूसरा भी है जो उस साइड के लिए है, लेकिन ये है प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार, स्वामी मन मंथन द्वार नाम है इसका, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। हाँ तो भैया, ये आप देख सकते हैं, ये है डिपार्टमेंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी का, इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, ठीक है। और यहाँ सही है, मतलब अगर आप एचएनबी का जो चौरास कैंपस उसको विजिट करते हैं तो आपको लगता नहीं कि आप श्रीनगर के अंदर हैं, आपको लगता है आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी क्लीन सारी चीज़ें हैं, क्लीननेस से भरी हुई। अभी हम आपको और भी डिपार्टमेंट विजिट कराते हैं, तो चलते हैं फिर आगे। और अभी हम मेन गेट से नीचे की तरफ आए हैं, LHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो तभी सही है। ये आप हिस्ट्री का डिपार्टमेंट देख सकते हैं। तो ये है भैया HNB का स्टेडियम एरिया, अंदर से ऐसा कुछ दिखता है, ये बड़ा प्यारा है। और इधर आधिकारिक निवास भी है, यहाँ पे शायद यहाँ के प्रोफेसर वगैरह रहते हैं। तो स्टेडियम के जब अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये जिम एरिया है, और ये पूरी बिल्डिंग जिम की है, आप लोग ये देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा है यार। 20 रुपये यहाँ की फीस है विद आईडी कार्ड। तो अगर आप एचएनबी में रहते हैं और आपको जिम करने का शौक है तो यहाँ पे कॉलेज का जिम भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको जिम भी प्रोवाइड कराती है, तो भाई सही है, भले ही डाइट तुम अपने पैसों से खाओ लेकिन जिम तो आप एचएनबी की तरफ से कर ही सकते हैं। और ये पूरा एरिया स्टेडियम का है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये वाला स्टेडियम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आर्मी की तैयारी करने के लिए काफ़ी सारे बंदे आते हैं। और ये सामने आप श्रीकोट देख सकते हैं, और ये स्टेडियम सही है, अच्छा है। यहाँ पे ये जो बैठने का एरिया है ये आप देख सकते हैं, ये भी सही है, बैठने के लिए काफ़ी स्पेस है, खेलने के लिए भी काफ़ी स्पेस है। ये पिछला एरिया स्टेडियम का, और इस साइड भी आप देख सकते हैं, ये एरिया भी पूरा स्टेडियम का है, और उधर आपको जिम बिल्डिंग मैंने दिखाई थी, तो ये सही है, ये एरिया भी पूरा स्टेडियम का है, सही है, मतलब एक नंबर है बॉस। वो बास्केटबॉल का ग्राउंड है, नेट है, और ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे खेलने के लिए काफ़ी सही है। ये है भैया HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का स्टेडियम एरिया, जिसके अंदर जिम है, और ये बास्केटबॉल खेलने का जो नेट है वो है, यहाँ पे रनिंग करने के लिए है, यहाँ पे बैठने के लिए है। और अब चलते हैं दूसरी लोकेशन की तरफ, जो कोई नया डिपार्टमेंट होगा, नया तो खैर क्या होना, पुराना होगा, लेकिन इस वीडियो के लिए वो नया ही होने वाला है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। सो हेयर इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी, आप लोग ये देख सकते हैं, ये है ग्रामीण प्रौद्योगिकी विभाग, और यहाँ पे ये ऐसे वो लगाए हुए हैं, क्या क्या बोलते हैं,
जैसे फार्मिंग करते हैं, पॉली हाउस लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये फील्ड है जहाँ पे फील्ड वर्क होता है, आई थिंक एजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो भैया ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये है सेंटर ऑफ माउंटेन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्टडीज, यानी पर्वतीय पर्यटन एवं आतिथ्य अध्यतन केंद्र, अध्ययन केंद्र। और ये डिपार्टमेंट आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो कि स्टेडियम के जस्ट बगल में है। ये यहाँ का डिपार्टमेंट। ये वाला पोर्शन जो है ये है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, काफ़ी सही है। और इस साइड पे ये डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है इन बागानों के पीछे जो छुपी हुई है। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके पीछे ये पॉली हाउस है, उसके बाद यहाँ पे ये मेन गेट है और ये डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं भाई चौरास में आके, अगर आप डिपार्टमेंट विजिट करते हो या चौरास कैंपस विजिट करते हो तो बहुत प्यारे से सीन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार, अमेजिंग है, क्या बताएं भाई, दिल को सुकून। और आज की अच्छी जो बात है वो ये है कि आज उतनी चटक की धूप नहीं है, धूप लगी थी, बारिश लगी हुई थी, अभी तो हल्का हल्का मौसम सही हो गया, तो बड़ा प्यारा मौसम हो रखा है। अगर आप ऐसे मौसम में विजिट करते हैं तो काफ़ी सही है बॉस। या अभी आप ये मेरे पीछे जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। और मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है HNB के अंदर, अगर मैं आपको बैक कैमरा से दिखाऊं तो फिर ये कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, ये है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये यहाँ की सड़कें हैं, गीली हो रखी हैं बरसात के कारण, लेकिन सीनिक ब्यूटी तो काफ़ी प्यारी है भैया। तो भैया एक तरफ जहाँ आपको मतलब थोड़ी बहुत इतनी क्लीन ब्यूटी देखने को मिलती है सड़कों के ऊपर, और वहीं अगर आप दूसरी तरफ थोड़ी सी सड़कों से बाहर की तरफ अगर नज़रें डालें तो फिर तब आपको देखने को मिलता है काफ़ी सारा कचरा जो कि लोगों की नज़रों में कम ही नज़र आता है, तो कोई बात नहीं। ये है पर्यावरण विज्ञान का डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट साइंस, ठीक है बॉस। तो ये यहाँ का ये बिल्डिंग है डिपार्टमेंट की, आप देख सकते हैं ये इसकी फ्रंट साइड है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस की, जो कि काफ़ी सही है वैसे। और EVS के बगल में जस्ट ये MBA डिपार्टमेंट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला। तो यहाँ पे है भैया EVS डिपार्टमेंट और MBA डिपार्टमेंट, इधर बैक आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो काफ़ी सही है। बाकी अभी चलते हैं और डिपार्टमेंट आपको विजिट कराते हैं, और बने रहिए वीडियो में। और ये वाला डिपार्टमेंट है भैया यौगिक साइंस का विविध केंद्र, और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी यहीं पे है, तो ये डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। और इधर इस साइड नीचे के लिए यहाँ से बॉयज़ हॉस्टल है। तो अभी हल्की हल्की सी आप बारिश देख रहे हैं, क्या दिख रही है आपको कैमरे में, ये भी होनी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ मेरे पीछे आप यौगिक साइंस का डिपार्टमेंट देख सकते हैं, अभी आपको बॉयज़ हॉस्टल दिखाते हैं। तो जब आप इधर के लिए मेन एंटर होंगे तब आपको यहाँ पे एक ऐसा डाइवर्जन मिलेगा, तो इस साइड के लिए यहाँ पे आप यौगिक साइंस का देख सकते हैं, उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट कुछ ऊपर के लिए, कुछ नीचे के लिए। फिर आप अगर नीचे आके यहाँ पे छात्रावास हॉस्टल देखेंगे तो ये स्वामी विवेकानंद एक बॉयज़ हॉस्टल है, हाँ ये सही है। और ये जो तीसरा हॉस्टल है ये वानिकी हॉस्टल है, जो कि तीनों बॉयज़ हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है HNB के कैंपस का, यहाँ पे हॉस्टल है बहुत सारे, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, इतने सारे डिपार्टमेंट है। तो चलिए अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। और आप ये वाले डिपार्टमेंट देख सकते हैं, ये है फार्मास्यूटिकल साइंस विभाग, बी फार्मा होता है जहाँ से, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। इसकी काफ़ी दो चार इसकी है ज़्यादा बिल्डिंग है यहाँ पे। और इस साइड पे जो डिपार्टमेंट है वो है सारा मैथमेटिक्स के, आप लोग यहाँ अगर अंदर की तरफ जाएंगे तो ये है मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, सांख्यिकी वगैरह के डिपार्टमेंट। ये है कैंटीन एरिया, और यहाँ पे ये कैंटीन देख सकते हैं आप, ठीक है, भले ही ये बंद पड़ी हुई है लेकिन कैंटीन तो है, एग्जिस्ट तो करती है एटलीस्ट HNB के हिस्ट्री में या HNB में। ये आप देख सकते हैं खगोल भौतिकी नभोमंडल की बिल्डिंग है, एस्ट्रोफिजिक्स प्लेनेटेरियम, और ये इसकी बिल्डिंग है, डिपार्टमेंट है, इसके अंदर टेलीस्कोप वगैरह भी होंगे ही, नभोमंडल लिखा हुआ है, और अंतरिक्ष की जो यातनाएं हैं उनको देख सकते हैं कैसे कैसा होता है अंतरिक्ष में सारी चीज़ें।
सही है बॉस, तो अभी चलते हैं आगे और भी दिखाते हैं आप लोगों को, और भी डिपार्टमेंट विजिट कराते हैं। ये है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की सबसे तगड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, बीटेक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय। और इसके जस्ट बगल में है ये MCA की बिल्डिंग, ये भी काफ़ी सही है। और इसके आसपास की लोकेशन भी काफ़ी प्यारी सी है, आप लोग देख सकते हैं सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। और ये है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। तो ये आप डिपार्टमेंट देख सकते हैं, ये है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। और इसके अगल बगल भी काफ़ी सारी अच्छी ये फूल देख सकते हैं आप, अरे गजब। और ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी काफ़ी सही लग रहा है भाई, प्यारा सा है। ये वाला गेट देख सकते हैं आप, ये है नंदा देवी गर्ल्स हॉस्टल, गेट लगा हुआ है, प्राइवेसी। ये आप देख सकते हैं, ये है स्वामी मनमंथन ऑडिटोरियम, और ये काफ़ी सही लग रहा है बॉस। ओहो बढ़िया है, बढ़िया। ये मनमंथन के आसपास ऐसी रोड है, और ये आप पीछे देख सकते हैं, ये है ऑडिटोरियम, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। तो भैया ये था चौरास कैंपस का वीडियो जो आपने देखा, और होपफुली कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। सो होप फॉर द बेस्ट कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, साथ ही साथ भैया इंस्टाग्राम पे आके हमको ज्वाइन कर लो। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। संजय दत्ती हूँ जी मैं।